हाय फ्रेंड, यह है हिमकोटी। और अगर आप हिमाचल घूमने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ विश्राम गृह में आप आराम से रात में और दिन में स्टे कर सकते हैं। यहाँ किचन की व्यवस्था है और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ भी हैं और पार्किंग बच्चों को घूमने के लिए, और यहाँ के जो रूम हैं बहुत ही अच्छे हैं। आइए आपको दिखाते हैं और बात करवाते हैं, यहाँ के जो मेम्बर राजू रहते हैं। तो देखिए, आइए चलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं हिमाचल में घूमने की पालमपुर में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, ये है इसका मेन गेट, और आइए अंदर ले चलते हैं आपको। ज़्यादा टाइम ना हो, आप वो रोड तो देख रहे होंगे, काफ़ी दूर तक है। आप रनिंग स्पेस इस भी इसका, और जो इसके सूट बने हुए हैं, जो कमरे हैं, वो आपको हम अभी ले चल के दिखाते हैं। आइए, ये है यहाँ की पार्किंग। आप अपनी कार वार से भी आ सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, बहुत बड़ा स्पेस है, देख सकते हैं। और वो मेन गेट है। ये सामने कुछ सूट बने हुए हैं जहाँ पे कमरे उपलब्ध हैं। तो देर ना करते हुए आइए, आपको हम रूम दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही वीआईपी हैं यहाँ पे के यहाँ के रूम, और बहुत कम पैसे में, जैसा आपने बताया 200 रुपए में यहाँ पे रूम उपलब्ध हो जाता है। व्यू देखिए आप कितना सुंदर है, देख रहे हैं कितना प्यारा है। तो चलिए आपको हम रूम के अंदर ले चलते हैं। ये बरामदे में आ गए, और ये देखिए B2 ये बना हुआ है, ये B1, ये B सूट, और ये A1 सूट। यहाँ का आप नज़ारा देखिए, अभी आपको रूम दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है। आप अपने बच्चों के साथ आके, और अभी आपको दिखाते हैं वो बर्फ़ के पहाड़। देखिए, ये देखिए मछली पालने का बना हुआ, अभी आपको इसमें मछली भी दिखाते हैं। आपको ये दिखाते थे क्वार्ट्ज जो है, ये देखिए, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना है, कम से कम 200 साल पुराना है। ये लकड़ी के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, और यहाँ के रूम बहुत ही VIP हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं, व्यू देख लीजिए एक बार। और ये देखिए, यहाँ पे बैठ सकते हैं, इसका भी लुफ्त ले सकते हैं यहाँ पे बैठ के। बहुत ही अच्छा प्यारा सा बना हुआ है। और अभी आपको आगे ले चलते हैं, पहाड़ों के बर्फ़ और झरने दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये आपका ग्राउंड पूरा, बच्चे इसमें घूम सकते हैं। और अभी आपको रूम भी दिखाते हैं, यहाँ पहले पार्क देख लीजिए, कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पर, बहुत बड़ा सा स्पेस है। ये देखिए एक नदी भी है यहाँ पे, छोटी सी, जो पहाड़ों का पानी आता है झरनों का। ये देखिए, और कितना निर्मल शुद्ध पानी इसमें बहता रहता है, बिल्कुल सा प्यारा सा, बहुत अच्छा व्यू है। ये यहाँ के स्टाफ हैं, अभी इनसे बाद में बात कराता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए VIP रूम भी इधर हैं, यहाँ से आपको चलते हैं, ले चलते हैं इधर का भी पार्क आपको घुमाते हैं, और वो बर्फ़ के पहाड़ आपको दिखाते हैं। मात्र 200 रुपए में आप हिमाचल की सैर कर सकते हैं। ये विश्राम गृह आपका पालमपुर हिमाचल में ही पड़ता है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप एक बार अगर आइए तो यहाँ पे ज़रूर आइए। देखिए ये झूला पड़ा है, यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। और ये देखिए व्यू पार्क का, ये VIP लॉज है, ये भी 200 से 250 रुपए मिल जाता है। और ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये बर्फ़ के पहाड़, ये बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ इन पर जमी हुई है। देखिए 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 कितना सुंदर व्यू है, थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए, ये सब बर्फ़ इन में जो है पहाड़ों पे जमी हुई है, ध्यान से देखिए आप, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है। और कोई चिकपिक चिकपिक नहीं यहाँ का वातावरण, यहाँ का पानी तो इतना सुंदर है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और देखिए कितना प्यारा पहाड़, आप यहाँ का मनोरंजन मात्र 200 रुपये 24 घंटे में ले सकते हैं। देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए कितना प्यारा पहाड़ बर्फ़ का, कितना सुंदर आसमान, देखिए 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 कितना सुंदर है। तो ये था हमारा हिमकोटी विश्राम। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ से भी देख लीजिए, पूरा व्यू है। और आपको अभी हम रूम पे ले चलते हैं, कितनी हरियाली है यहाँ पे, कितना सुंदर दृश्य है।
चलिए रूम दिखाते हैं आपको। एक रूम हमने खुलवाया है अभी राजू भाई से, वही में दिखाते हैं, थोड़ा अस्त व्यस्त है। ये देखिए रूम है, ई सूट है और ये रूम आ गया। ये रूम का आर्किटेक्चर है, देखिए लाइट वाइट कितना अच्छा, लकड़ी वुडन टाइप का रूम बना रखे हैं। ये बेड है अपना, ये आपको एक कुर्सी भी मिल जाती है इधर, लाइट फैन सब है। ये विंडो भी मिल जाती है, इधर भी दो विंडो मिल जाती है, गेट मिल जाता है। ये अलमीरा मिल जाती है आपको सामान वामान रखने के लिए। ये मिरर और मेकअप के लिए लाइट चार्जिंग पोर्ट, और आपको बाथरूम आइए दिखाते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लगे इसलिए जो है मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक शीट मिल जाती है, इधर भी गेट मिल जाता है। अगर आपको खुले में शौच जाने की शौक़ है तो आप इधर से भी व्यू देख लीजिए। ये बाथरूम का है, और इसी गेस्ट रूम का ये भी चार रूम है, वीआईपी रूम है, वहाँ पे तो भी आपको ले चलते हैं देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अच्छा सा व्यू है, और यहाँ ये अपना बाथरूम, यह आपका गीज़र भी लगा हुआ है, आप गर्म पानी का लुफ्त ले सकते हैं। देखिए हम लोग इसको हमेशा ऑन ही रखते हैं, ठंडा और गर्म दोनों पानी है। यहाँ पे भी आपको ठंडा और गर्म पानी मिल जाएगा, यहाँ भी आपको एक मिरर मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है 200 रुपये में। तो आप कभी इधर आइए हिमाचल पालमपुर, तो प्लीज़ आइए ज़रूर, यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। तो आइए मिलाते हैं आपको राजू भाई से। ये हमारे राजू भाई हैं, और इनसे आइए बात करते हैं। राजू भाई, तो राजू भाई यहाँ पे जो रूम है ये कितने रुपए के मिल जाते हैं? ये रूम जो है कितने रुपए में मिल जाता है इनका? सरकारी बंदा को 200 में मिलते हैं। सरकारी बंदे को 200 में मिलता है, प्राइवेट वाले को 500 मिलते हैं। प्राइवेट वाले को 500 रुपये में मिल जाता है, सरकारी बंदे को 200 रुपये में मिल जाता है। और यहाँ पे कैंटीन भी है जो राजू भैया चलाते हैं। सरकारी जो होते हैं, जो गैस पेमेंट होते हैं 300 रुपया होते। अच्छा, जो गेस्ट उसका 300 होता है। और यहाँ ऑन ड्यूटी मतलब उसको कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है जो सरकारी लोग रेलवे के, वो शुद्ध खाने का चार्ज होते हैं। हाँ, और यहाँ पे कैंटीन भी है, और जो राजू भैया खुद देखते हैं सभी गेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। राजू भैया खाने क्या है यहाँ पे, लंच कितने का होता है, डिनर कितने का होता है? लंच और डिनर कितने का होता है? प्लेट, हाँ प्लेट, प्लेट 150 रुपया प्लेट, 150 रुपये प्लेट है यहाँ पे। चिकन और चिकन होते 200। हाँ, नॉनवेज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और मटन होते तुम्हारा 320। मटन होता है 320 रुपये का, 200 रुपये का चिकन है। और अगर आप वेज खाते हैं तो सिर्फ 150 रुपये में भी आप ब्रेड आमलेट 60 रुपया, प्लेट आमलेट 60 रुपये का है। ये राजू भैया हैं, कभी भी आइए इनसे ज़रूर मिलिएगा। और ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता दी। ये हमारे रघुनाथ भैया हैं, जा रहे हैं अम्बाला। ये आंटी हैं हमारी,